हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं आज वर्ग और वर्गमूल का पार्ट फोर क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है, तो उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियाँ रहें जितनी पंक्ति में पेड़ हैं, तो बाग की पंक्तियाँ कितनी हैं। तो इसमें सिंपल सा हमें वर्गमूल इसका निकालना है, 5184 का। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये ट्रिक होती है। 51 जो होता है वो हमारे 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच आता है। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। ये कट गया। 4 जो है हमारे 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में लास्ट में जा रहा था। ऊपर से हमने 7 ले लिया क्योंकि 51 49 के नियर अबाउट है, इसलिए उसके सामने वाली संख्या ली जाएंगी 2। आंसर हमारा आएगा 72, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान किया, तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपये का योगदान किया। यदि कुल 1600 रुपये एकत्रित किए गए तो कक्षा में कितने लड़के हैं। तो बॉयज़ को मान लेंगे एक्स और गर्ल्स को मान लेंगे 60 माइनस एक्स। ठीक है, फिर लिखेंगे एक्स 60 माइनस एक्स, क्योंकि कुल योगदान था तो प्लस 60 माइनस x इंटू x बराबर 1600। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि सॉल्व करने पे जो हमारे फैक्टर बनेंगे वो ये बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 800 बराबर 0। तो आपको 800 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पे 60 आए। तो x इसके जो फैक्टर होके आएंगे वो ये आएंगे, x माइनस 20 और x माइनस 40 बराबर 0। तो x बराबर 20 और x बराबर 40 आएगा। तो इसमें लड़कों की संख्या पूछी गई तो या तो 20 आएगा या तो 40। 40 इसमें दिया नहीं, इसलिए आंसर हमारा 20 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक माली 17956 पेड़ लगाना चाहता है, तथा उन्हें इस तरह से लगाना चाहता है कि वहाँ उतनी पंक्तियाँ और जितनी पंक्ति में पेड़ों की संख्या, इस पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो आपको सिंपल सा इसका वर्गमूल निकालना है, 17956। ट्रिकली निकाल देंगे, ऐसे क्रॉस करेंगे। 179 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का स्क्वायर होता है 196, इनके बीच में आता है। तो 5 को क्रॉस कर देंगे तो 6 आता है 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में। ऊपर से पहली संख्या लेते हैं तो हमने 13 ले लिया, 179 169 के पास, इसलिए इसके सामने वाली संख्या ले लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 134, मतलब डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी वही 20 आंसर आएगा जो मैंने अभी पीछे आप लोगों को पढ़ाया है। सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100। ये हमारी पहली क्वेश्चन बन गई, तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 28 हमारी दूसरी समीकरण बन गई। जोड़ने में कट रहा है तो 2a² बराबर 128, 2 चौंग 12, 2 चौके 8, ए स्क्वायर बराबर 64, तो ए बराबर 8 आ गया। जब हम यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर 64 पुट करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर 36 आ जाएगा, मतलब बी बराबर 6 आ जाएगा। इन दोनों संख्याओं का योग पूछा गया था तो 8 + 6 = 14, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो सी वाला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 29 है, तो हम लिख लेंगे ए प्लस बी बराबर 29। उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 145। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी बराबर 145। तो 29 × a - b = 145, तो 29 × 5 = 145 होता है। तो अंतर कितने का आ जाएगा, 5 का, मतलब बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2000। पूर्णांक कहा गया ना धन ना ऋण, तो बीच वाली संख्या को हम x मान लेंगे, उसके पहली वाली को x माइनस 1 मान लेंगे, उसके बाद वाली को x प्लस 1 मान लेंगे, और इनका योग आपको कितना दिया गया है, 2030। सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर, हमारा जो सॉल्व करने पे सॉल्यूशन पूरा आएगा वो ये आएगा, 3x² + 2 = 2030, ये उधर जाके घट जाएगा तो 3x² = 2028, तो 3 6 18
फिर 3 7 21, 3 6 18, एक्स स्क्वायर बराबर 676 है, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 26, तो बीच का पूर्णांक हमारा आएगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए, तो एक्स क्यूब से अगर हम एक्स स्क्वायर घटाएँ तो शेषफल 48 आता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ऑप्शन से लगेगा, ऑप्शन रखेंगे, ये हमारा आंसर 4 से आ रहा है, तो 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 48, 4 का क्यूब होता है 64 और 4 का स्क्वायर होता है 16, 64 से 16 घटाया कितना आ गया 48, बराबर 48 के प्रूव हो गया, इसलिए आंसर हमारा 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 हो, तो एक एक्स होगी एक एक्स प्लस टू होगी, लेकिन एक्स प्लस टू बड़ी है तो एक्स प्लस टू से के होल स्क्वायर से आप एक्स स्क्वायर घटाओगे बराबर 84, तो ये एक्स स्क्वायर सॉल्व होके पूरा हमारा ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 4 2ab प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 84, प्लस माइनस का कट गया 4 इधर के घट जाएगा, 84 से 4 गया कितना आ गया 80, तो कितना आ जाएगा 4 2 8, तो एक हमारी आ जाएगी 20 और एक हमारी आ जाएगी, एक मिनट क्लियर करते हैं फ्रेंड्स, फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन, इरेज ऑल क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन है हमारा क्या कहा गया था क्वेश्चन में कहा गया था उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 हो, जिनके वर्गों का अंतर 84 हो, तो देखिए कैसे लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, ये करेंगे सॉल्व, 20 और 22 सही तो लगा रहे थे, 20 और 22 क्वेश्चन सही है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अंतर कितना हो गया, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया है इस वजह से ज़्यादा दिया हुआ है 42 सॉरी दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने पे जो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर 2 2 4 प्लस 2ab तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 84, ये और ये कट गया, ये उधर जाके घट गया, 84 से 4 गया 80 बचा, 4 2 8 तो एक हमारी 20 हुई और एक 20 2 22, तो 20 और 22 को जो हम ऐड कर देंगे तो हमें 42 मिल जाएगा, मतलब सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो संख्याओं का योग 22 है और उनके वर्गों का योग 4, दो संख्याओं का योग 22 तो हम लिखेंगे a प्लस बी बराबर 22, उनके वर्गों का योग मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 404, तो उन राशियों का गुणनफल बताना है, मतलब आपको ए बी बताना है, तो जो हमारा फॉर्मूला लगेगा लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 22 का स्क्वायर यहाँ पे 484 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 404 हो गया प्लस 2ab, 484 से 404 घटाओगे तो आपका 80 आएगा बराबर 2ab के, 2 से कट जाएगा तो आंसर आपका 40 आएगा, मतलब ए वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, उनके अंतर का वर्ग 36 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए, तो वर्गों का योग 80 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 80, उनके अंतर का वर्ग मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 36, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो, दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर 36 है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 36, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 80 दे रखी है माइनस 2ab बराबर 36, 36 से 80 घटाओगे तो आपको मिलेगा माइनस का 44, माइनस माइनस कट गया 2 2 4 2 2 4, तो आपका ए वाला ऑप्शन आ जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और अंतर का वर्ग 36, संख्या को गुणनफल बताना है, तो वही आंसर है, तो इसमें भी 22 आएगा। यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 182 है, तो माइनस का 182 इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने पे आएगा 14 और 13, तो प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0, तो फैक्टर जो हमें मिलेगा ये मिलेगा, x प्लस 14 मिलेगा और x माइनस 13 बराबर 0 के, तो ये लिया नहीं जाएगा तो x बराबर 13 आ जाएगा, मतलब बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 386, एक संख्या 5 है तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस बी स्क्वायर बराबर 386, से आप 25 घटा दीजिए तो हमें मिलेगा 361, इसलिए हमें बी मिल बराबर मिलेगा 19। अब पूछा क्या गया था, दूसरी संख्या, तो हमारा आंसर बी वाला ऑप्शन 19 आएगा। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, तो हम लिख लेंगे ए माइनस बी बराबर 3, यदि उनके वर्गों का योग मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 369 हो, तो उन संख्याओं का योग बताइए, मतलब आपसे ए प्लस बी पूछा गया है, तो हम क्या कर देंगे इसके दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अगर हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 3 का स्क्वायर 9, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट अप हो जाएगी, 369 माइनस 2ab बराबर 9, 9 से 369 घटेगा तो माइनस का 360, माइनस माइनस कट गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेकिन संख्याओं का योग पूछा था, चलो 180 हो गया, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4ab, 4ab का मतलब 2 × 360, तो 720 और 3 × 9 729 हो गया, तो जब वर्गमूल निकालोगे तो आंसर 27 आएगा, सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 के अनुपात में इनके वर्गों का 126 है, तो संख्याएं बताइए, तो पहली तो एक्स स्क्वायर हो गई, दूसरी 2x स्क्वायर हो गई, तीसरी 3x स्क्वायर हो गई बराबर 126, तो एक्स स्क्वायर 2 × 2 4x स्क्वायर 3 × 9x स्क्वायर बराबर 126, 9 × 9 = 13 = 14x स्क्वायर बराबर 126, 14 × 9 = 126, तो x स्क्वायर बराबर 9 तो x बराबर 3, तो ये हो गए 3, ये 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 9, सी वाला ऑप्शन आएगा। वह संख्या कौन सी जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 आता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 240 इधर ले आएंगे तो माइनस 240 बराबर 0, फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स प्लस 16 और एक्स माइनस 15, तो ये तो लेंगे नहीं तो इसलिए एक्स बराबर आ जाएगा 15, अगर आप इसको सॉल्व करते हो 15 और 15 का स्क्वायर 225, तो आंसर 240 आता है, तो आंसर आपका ए वाला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है, किसी प्राकृत संख्या के वर्ग तो एक्स स्क्वायर के वर्ग के 3 गुने और उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर उस प्राकृत संख्या से 50 अधिक आता है, तो संख्या बताइए, तो इसको इधर ले आएंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स माइनस 5x माइनस 50 बराबर 0, जब इसके 50 या 150 के ऐसे फैक्टर करना है कि घटाने पे 5 आए, तो 15 × 10 = 150 आ रहा है, तो हमारे जो फैक्टर आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं 3x प्लस 10 और एक्स माइनस 5 बराबर 0, तो ये तो लेंगे नहीं इसलिए एक्स बराबर 5 आएगा, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच में आता है, तो 81, क्योंकि वर्गमूल की वैल्यू प्लस माइनस 9 होती है, तो माइनस 9 और प्लस 9 के बीच में आता है, तो वो होगा माइनस 10 और 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सही है हमारा, यही माइनस 10 और 10 होगा। 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होगा वो क्या है, तो इसमें कुछ लगाना नहीं है,
100 से कम वर्ग संख्या 81 आती है, ये भी आपको बताया, और जिसके वर्गमूल 9 प्लस का 9 और माइनस का 9 होता है, जो माइनस 10 और 10 के बीच में भी होता है, इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, उनका औसत 6 है, तो उनके घनों का योग बताइए। तो दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, उनका औसत 6 है, मतलब दो संख्याओं का योग बटे 2 बराबर 6, मतलब a प्लस बी बराबर 6 दूनी 12, तो उनके घनों का योग बताना है। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये होता है। तो a प्लस बी बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 12 का क्यूब हो जाएगा 17, 28 a क्यूब प्लस b क्यूब उनको निकालना है, प्लस 3 इंटू ए बी है 32 और ए प्लस बी है यहाँ पे 12, तो 1728 बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस जो आ रहा है यहाँ पे 1152 आ रहा है, सॉल्व करने पे घटाएंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 576, मतलब डी वाला ऑप्शन।